हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम गुरुजी में। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, और जो कि डेली आते हैं वीडियो, आपका कोई वीडियो मिस ना हो और आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए। हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, पार्ट 3 आ चुका है इसका। बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, नई टाइप लेके आया हूँ, करते हैं कैसे। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो 22, पहला क्वेश्चन है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 240। ठीक है, एक आर्टिकल बेचा गया 240 का, और उस आदमी ने दो जो है एक मतलब लॉस किया 10% का, इनकर से लॉस 10%। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बोल रहा है कि भाई, उसने 240 के बेचने पे 10% का लॉस मिला है, अगर वो 20% का प्रॉफिट चाहता तो वो कितने में उस चीज़ को बेचता, तब उसे प्रॉफिट होता। ठीक है, ये इसकी लैंग्वेज है। तो अब इसको करने का क्या है, तो इसमें मैं अपने हिसाब से जो कुछ भी मान लेता हूँ सीपी। ठीक है, कि भाई उसने जो है चीज़ खरीदी थी 100 रुपये की, अब उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 10% का लॉस हो गया। अब देखो यहीं से करेंगे, 100 पे उसने चीज़ खरीदी, उस 10% का हो गया उसको लॉस। तो भाई 100 का 10% होता है 10 रुपये, तो उसे 10 रुपये का हो गया भाई लॉस। ठीक है, तो उसको 10 रुपये का लॉस हो गया, तो एसपी कितना बन जाएगा हमारा, 90। ठीक है, हमारा 90 निकल के आया, 10% लॉस के बाद जो है सेलिंग प्राइस निकल के आया वो है 90 रुपये। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 240, तो 90 तो हो गया भाई 240 के बराबर। ठीक है, एक यूनिट कितने के बराबर होगी, ठीक है 240/90, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये यूनिट होगी 240/90। तो इस कंडीशन में 100 से गुणा कर दूँ तो सीपी निकल जाएगा मेरा, बिल्कुल निकल जाएगा भाई। ठीक है, इस तरह से। तो इसको अगर काटोगे तो काट भी लेना, नहीं तो ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारा सीपी जो है निकल के आ गया, ये आ गया हमारा सीपी। ठीक है, ये आ गया हमारा सीपी। अब वो बोल रहा है कि अगर इसको 20% लाभ उसको कमाना था तो कितने पे इसको बेचता, तो मैं इसको 20% लाभ पे बेच दूँ तो एसपी निकल जाएगा। तो एसपी का फॉर्मूला मैंने बताया था, सीपी, ठीक है, सीपी इंटू 100+ प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आप याद कर लेना, अगली बार मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, इस पे तो सीपी कितना हो गया, 240/9, ठीक है, गुना 100+ प्रॉफिट कितना कमाना है उसको, 20, तो 120 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो मैं इसको काट दूंगा ऐसे, ठीक है, इसको काट दूंगा 3 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो है, सॉरी ये मैंने गलत काट दिया है, ये 3 पे जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40, और ये मैं काटूंगा तो ये चला जाएगा 8 पे। ठीक है, इस तरह से। तो एसपी आ गया आपका इस क्वेश्चन में 320 रुपये। ठीक है, ऐसे हमें चलना है, पहले सीपी फिर हमें एसपी निकालना है, एसपी से हमें जो ओरिजिनल हमारा सीपी है वो निकालना है, फिर उसको लाभ दे देना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं इसको और अच्छे से कि क्या है इसकी अप्रोच। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो वैसे वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, मैंने समझा दिया है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉन्टेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर रुपीज 480। वो कह रहा है कि वो चाहता तो था 20% लाभ पे बेचना, लेकिन उसने 20% लॉस पे बेच दिया, जो कि इतना प्राइस उसका जो है इतने में उसको बेचा है, तो सेलिंग प्राइस 480 हो गया। एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न प्रॉफिट, तो वो 20% लाभ कमाने के लिए कितने पे उसको बेचता तब उसको लाभ होता। तो मैं वही इसमें सीपी मान लेता हूँ 100 रुपये। ठीक है, अगर उसने 20% लॉस पे बेचा है, ठीक है, 20% लॉस पे उसको बेचा है, तो भाई 20 रुपये उसने जो है लॉस किया है, तो हमारा एसपी हो जाएगा इस कंडीशन में 80, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हमारा है, और क्वेश्चन में हमें दिया है एसपी सेलिंग प्राइस जो है 480। ठीक है, काट देते हैं इसको, तो हमारी एक यूनिट आ जाती है 6 के बराबर आ गई। अब इसको मैं सीपी से गुणा कर देता हूँ, यहीं पे सीपी मेरा निकल जाएगा 600 रुपये। इस वाली यूनिट को किसी से गुणा करोगे वही निकल जाएगा, इस 6 को इससे करोगे तो ये लॉस निकल आएगा। ठीक है, इससे गुणा करोगे 480 आ ही जाएगा। ठीक है, सीपी मेरा निकल आया है। अब वो कह रहा है कि उसको 20% लाभ चाहिए था, तो लाभ किस पे निकलता है,
एसपी अगर निकालना है तो सीपी भी निकलेगा, तो सीपी हो गया 600 और लाभ उसे 20% चाहिए था, 100 प्लस 20। मैंने पिछले वाले फॉर्मूले में लगाया है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 120, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, ठीक है। ये हो जाएगा 12 6 72, तो एसपी आ गया मेरा 720 रुपये, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाई सेलिंग ए टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400, ठीक है। लॉस प्रतिशत इंक्रीज बाई 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज, ठीक है। वो कह रहा है कि 300 जो है 50 का उसे जो सेलिंग प्राइस है उस पे बेच दिया, लेकिन उसको बेचना था 400 पे, तो उसको क्या हुआ कि 400 से 350 पे बेचने, 50 रुपये कम बेचने पे 5% का लॉस ज़्यादा हो गया। मान लो कि अगर 400 का बेच रहा है तो उसको 10% लॉस हो रहा है, और 350 का बेच दिया तो उसको 15% लॉस हो रहा है, तो 5% इंक्रीज हो गया ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अप्रोच वही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। इस तरह से एसएससी या कोई भी एग्जाम जो होता है वो घुमाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो बैठा है वो घुमाता है क्वेश्चन को, चीज़ वही है, समझने वाली चीज़ है कि कैसे हुई है। अगर मैं मान लूँ कि उसने 400 रुपये की चीज़ बेची तो उसको कुछ लॉस होता, अब वो कह रहा है कि 350 की बेच दी तो उसको 5% का लॉस ज़्यादा हो गया, ठीक है। 350 की बेचने, 50 रुपये कम बेचने पे। अब देखो लॉस और प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा और 5% उस पे जो है लॉस होगा, तो दैट मीन्स कि 5 रुपये लॉस होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 5% लॉस हुआ है वो तो मेरा इसमें दिया हुआ है कि 50 बढ़ने पे हुआ है, 50 घटाने पे हुआ है, ठीक है। 1% हो जाएगा इसका 10, ठीक है। और 100% क्या होगा इस कंडीशन में, कॉस्ट प्राइस ही होगा इसमें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस और प्रॉफिट निकलता है। तो 100% जो होगा वो ही आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो 100 से गुना कर देता हूँ 1000 रुपये, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर उसने 1000 रुपये की जो है इसका कॉस्ट प्राइस इसमें निकलवाया था, तो उसने 1000 रुपये का जो है कॉस्ट प्राइस आ गया। क्योंकि भाई इस चीज़ को समझो, एक बार और समझाता हूँ मैं, 50 रुपये का उसको लॉस जो कम पे बेचने पे 5% का लॉस उसका बढ़ गया है, तो जितना भी प्रतिशत लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 5% को लॉस हुआ है 50 घटाने पे, 1% लॉस होता है 10 रुपये घटाने पे, और 100% कितना हो जाएगा, जो 100% होगा वही कॉस्ट प्राइस होगा। तो 10 गुना 100, 1000 रुपये इसका आ गया है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12 से 1/2%, हैड ही सेल इट फॉर रुपीज इतना मोर, ठीक है, 51.8, ही वुड हैव अर्न ए प्रॉफिट। ये आपका आगे 6% दिया हुआ है इसने, ठीक है, 6%। द सी पी ऑफ एन आर्टिकल, अब भाई जैसे जैसे मैं बताता हूँ ना, सिर्फ वैसे वैसे कर लेना, आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उसने एक लॉस पे बेच दिया 12.5 के, ठीक है। अगर वो उसको, अब इस चीज़ को है ना आप 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सी पी मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसे गोला बना के 100 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने जो है बेच दिया 12 12.5% के लॉस पे, तो 12.5% के लॉस पे अगर उसने बेच दिया वो, तो 12.5% 12.5 रुपये हो जाएंगे। तो ये जो है एसपी निकल गया 87.5, क्योंकि लॉस पे बेचा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर उसको 6% का लाभ कमाना होता तो कितने पे बेचता भाई, 106 पे। मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी है उसमें जो कैलकुलेशन करते थे उससे। तो इसमें देखो, अब वो कह रहा है कि 6% लाभ कमाने पे उसको इतने रुपए ज़्यादा में बेचने, जो इनका डिफरेंस है ना वो ही ये रुपए है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, 106 महीने यहाँ कर लेते हैं, 106 महीने ये कर लेते हैं जल्दी से, तो 15 8, ठीक है, ये हो गया 18 पॉइंट जो है 5 रुपये, ठीक है। 18.5 रुपये है ना भाई जो मेरे निकल के आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो हैं कि इतने रुपए ज़्यादा में बेचता तो उसको 6% का लाभ हो जाता। 87.5 में बेचा है, 106 में बेचने पे उसको कितना बढ़ाना पड़ रहा है,
18.5 मेरे हिसाब जो मैंने माना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, तो भाई दशमलव से दशमलव कट जाएगा, जीरो की वैल्यू है नहीं, तो इसको अगर एक यूनिट में करूँगा तो इसको ऐसे कर लिख लेता हूँ मैं अभी, तो ठीक है ठीक है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं। अब देखो इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, मान लो हमें निकालना है सीपी, तो बस इस डिजिट को किसी से गुणा कर दो वही चीज़ निकल आएगी, ठीक है। अगर मुझे सीपी निकालना है, सीपी मैंने 100 मान रखा था, तो इसको मैं वन डिजिट को इसको गुणा कर दूंगा, वन यूनिट को, सॉरी डिजिट कह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं गुणा कर दूंगा, तो भाई ये 5 पे चला जाएगा 20, ठीक है, ये 5 पे जाएगा 37, ठीक है, और ये चला जाएगा भाई आपका जो है 37 एकम 37 और 4 पे, ठीक है, और जो आंसर आ जाएगा आपका 0 और 28, ठीक है, ये आ जाएगा 280, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो जैसे जैसे मैंने बताया सिर्फ वैसे वैसे करना है आपको क्वेश्चन, और आपका जो है क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो इसको दोबारा से देख लेना कोई भी दिक्कत हो तो, और अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर कॉन्सेप्ट सही लगा हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको वीडियोज़ में देता रहूँ और मुझे सपोर्ट मिलती रही और मैं बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट्स के साथ वीडियो लेके आता रहूँ, ठीक है। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बने रहिए ऐसे एग्जाम गुरु जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।